नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको निम बिन में वियतनाम के सबसे बड़े मंदिर ले चल रहे हैं, जिसको कि वहां पे पगोड़ा बोला जाता है। इसका नाम है बाई डिन पगोड़ा। हम लोगों ने स्कूटी हायर करी हुई है, वहां पे देख लीजिए। राइट हैंड साइड चलते हैं, इंडिया की तरह लेफ्ट हैंड साइड नहीं चला जाता। ये हमारे होम स्टे या रिजॉर्ट से कह लीजिए लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह हम लोग मुआ केव होते हुए आए हैं और ये सोचा था कि भाई आफ्टरनून आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुआ केव से 16 किलोमीटर है, तो स्कूटी से हम लोग आधा घंटा लगा बस। और भैया यहाँ आके साइज देखा ना पकौड़ा का, तो बिल्कुल हवा टाइट हो गई। लगभग 750 हेक्टेयर में बना हुआ भाई साहब। वैसे तो मंदिर में एंट्री फ्री है, लेकिन पैदल चलने वालों को। और भाई अंदर इतना बड़ा साइज है कि समझ लो शिमला जैसा हिल स्टेशन लगभग इसके बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे गोल्फ कार्ट चलती है इलेक्ट्रिक वाली, जिनके अलग अलग चार्जेस हैं। इंडियन करेंसी में 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये पर पर्सन तक। कोई मेन गेट तक उतारती है, कोई पूरा ही पकौड़ा कई पार्ट्स में 8-10 क्षेत्रों में घुमाया जाता है आपको। और एक खास टिप है, टिकट काउंटर पर आप गाइड मैप ब्रोशर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको मालूम नहीं चलेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ निकलना है। इसी में आपका सारा रूट मैप, कहाँ कहाँ से आपको गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाली मिलेगी, किस पॉइंट पे छोड़ेगी, सारे डिटेल इसी में मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने गाइड नहीं लिया था, वैसे तो गाइड भी मिल रहा है। यहाँ पे यह मंदिर बौद्ध स्पिरिचुअल टूरिज्म का मुख्य सेंटर है और इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वेलकम एरिया, स्पिरिचुअल एरिया और कुजाइन एरिया। और स्पिरिचुअल एरिया में 24 पार्ट्स हैं। तो दोस्तों, एक टूरिस्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की एंट्री होती है। खुला तो 8 बजे तक रहता है, पर 5 बजे के बाद आप लोग घूम नहीं पाओगे। हम लोग जब 2 बजे गए तब तो रात के 8 बजे तक घूमना पाए। और ये भैया हमारी इलेक्ट्रिक कार्ट आ गई है और ये हम लोगों ने रिटर्न जर्नी तक की ले ली थी। जाना भी चीज़ है, आना भी चीज़ है। और जब गए तो भैया समझ में आ गया, बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि एक तरफ मेन पॉइंट तक पहुँचाने के ही 3.5 किलोमीटर थे। हमारी जानकारियाँ पसंद तो आई रही होंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये हम आ गए इसके मेन एंट्री गेट पे। भाई लोगों, ये मंदिर 2 पार्ट में है, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड पगोड़ा 11th सेंचुरी से बना हुआ है। आइए हमारे साथ पूरा घूमिए, बेहतरीन नज़ारे लीजिए, क्योंकि अंदर और बाहर इतने पिक्चरियस सीन्स हैं कि आप बिना फोटो शूट के तो मानोगे ही नहीं। अभी ये जगह आपको खाली खाली नज़र आ रही है, और जब त्यौहार वगैरह होते हैं तो देश विदेश से सैलानी आते हैं। ये आपको इतने सारे फ्लैग्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये उन्हीं देशों की निशानियां हैं जो यहाँ पे आते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, बाई डिन पगोड़ा घूमने का सबसे सही समय जनवरी से मार्च के बीच में है। हम लोग थोड़ी देर में मुख्य द्वार से अंदर की तरफ चलेंगे, तब तक आप बाहर के फोटोशूट तो देखते जाइए। आर्किटेक्ट तो बिल्कुल गजब का है। यहाँ हमारे सारे ट्रैवल स्काउट्स अपनी अपनी सेल्फियाँ और फोटो खिंचवाने में लगे हैं भाई। वैसे भी फ्लैग्स के साथ फोटो खिंचवाने का मजा ही कुछ और है। अगर आप लोग नॉर्थ वियतनाम घूमने का प्लान कर रहे हैं तो निम बिन में बाई डिन पगोड़ा घूमना ना भूलें। अब हम लोग मेन गेट से आगे हट करके इंटरनल गेट पे आ गए हैं, जिसको 3 गेट्स भी बोला जाता है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहीं पे आपको अगली जगह के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट मिल जाती है। भाई यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करके आप आगे बढ़ेंगे। और भैया इतना बड़ा प्रांगण और इतना विशाल पगोड़ा देखने के बाद हमको लगा कि भैया हमने बहुत अच्छा किया तो इलेक्ट्रिक कार्ट कर ली, वरना तो पैदल चले चले बिल्कुल हवा टाइट हो जाती है। और हाँ दोस्तों, एक खास टिप और, इलेक्ट्रिक कार्ड के बावजूद आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल फ्लैट शूज या स्पोर्ट्स शूज पहन कर ही आएँ। तो खूबसूरती तो भाई हर जगह पे बिल्कुल आपको कदम कदम पे रोक लेगी। और हाँ, इलेक्ट्रिक कार्ड कैच करने का कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं। आप एक जगह पे चाहे 2 मिनट लगाओ, चाहे 2 घंटे लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टेशन पर लाइन से 3-4 कार्ड्स खड़ी रहती हैं। आप जिसमें मर्जी चाहे बैठ जाओ, कोई जरूरी नहीं कि जो आपके नंबर की कार्ड है आपको उसी में जाना। और भाई ये स्पेसिफाइड गलियारा है जिसमें भगवान बुद्ध जी की कई प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इस गैलरी को अरहात कॉरिडोर बोलते हैं। और ये जो बौद्ध स्टैचूज के आगे आपको वाइट वाइट बड़े स्टैचूज नजर आ रहे हैं, ये सेंट्स हैं, प्राइस हैं, टीचर्स हैं, मैजिशियंस हैं, वॉरियर्स हैं। और लोग इनके पैरों को घिस करके आशीर्वाद लेते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, आपको उनके घुटने और पैरों को स्पर्श करते हुए, घिसते हुए वहाँ आशीर्वाद लेने की परंपरा है। अरहात कॉरिडोर पूरा वर्ल्ड फेमस है। यहाँ 2, 4, 10 नहीं 500 स्टैचूज हैं अलग अलग मुद्राओं में, तो इस पूरे एटमॉस्फेयर को लाइवली और बिल्कुल मैजिकली प्रस्तुत कर देते हैं। घर बैठे बैठे अरहत कॉरिडोर देखिए, वर्ल्ड फेमस। चलते चलिए बस हमारे साथ, इसीलिए आपको कहा था स्पोर्ट्स शूज या कंफर्टेबल शूज पहन के जाने। भाई 500 स्टैचू लगे होंगे तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा, यहाँ पे ई कार्ट नहीं चलेगी। जब आप ये पूरा कॉरिडोर पार कर जाते हैं, पार करते ही आपको बेल टावर नजर आता है। ये बेल टावर का आर्किटेक्ट भी इतना खूबसूरत है, और साथ ही साथ एक खास चीज, यहाँ पे वियतनाम की सबसे बड़ी बेल लगी हुई है। अरे भाई सबसे बड़ी बेल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 36 टन वजन है इसका। मतलब एक बार बजा दो ना तो पूरे पकौड़ा में गूंज सुनाई पड़ेगी। बेल टावर से हम अपनी ई कार्ट में आए और अगले डेस्टिनेशन के लिए चले गए। उनके ई कार्ट वालों के अपने पूरे रूट बने हुए हैं कि वो उनको मालूम है कि इस जगह से इस जगह पे ही जाना है। अब भाई हमको ये बड़ी ही बेहतरीन जगह लेके आए हैं, घुसते ही लग रहा है कि कहीं अद्भुत सी जगह आ गए हैं। ध्यान से देखा तो हम लोगों को नजर आया कि भाई ये तो बौद्ध शाकमुनि हॉल है। शाम की थोड़ी बहुत लाइटें जल गई हैं, हम लोग को लगा अभी तो शाम हो गई, हम लोग 2 ही डेस्टिनेशन घूम पाए, पूरा कैसे घूम पाएंगे। तब अपनी गलती का एहसास हुआ, भाई यहाँ तो सवेरे 8-9 बजे आ जाना चाहिए, तब तो इसको पूरा घूम सकते हैं हम। बड़ा की भव्यता का एहसास हम आपको छोटे से टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे नहीं दिला सकते। आपको बताया कि ये लगभग शिमला जैसे स्टेशन से बड़े एरिया में बना हुआ है। बाई डिंग पगोड़ा के इस भाग यानी कि बौद्ध शाक्यमुनि हॉल को वर्ल्ड लेवल पे कई रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे इनको कार्विंग का अवार्ड मिला हुआ है, अद्वितीय शिल्प कला का भी अवार्ड मिला हुआ है। आइए अब आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ 12-12 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियां हैं, जिनको कि भूत, वर्तमान और भविष्य बुद्धा बोला जाता है, और वजन लगभग 100 टन है। आइए आप भी हमारे साथ मूर्तियों के दीदार करिए। ऐसा लगता है बिल्कुल स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, खाली सोने की बनी हुई, पर भाई ये स्पेशल ब्रॉन्ज रशिया से आया था। और ये जो आप वर्तमान भगवान बुद्धा जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये सर्टिफाइड बिगेस्ट स्टैचू इन वियतनाम माना जाता है। मंदिर की भव्यता तो देखते ही बनती है, और जो भी भगवान बुद्ध को मानने वाले यहाँ पे लोकल भक्त लोग आते हैं, वो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पे अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। भाई लोगों, हमारी जानकारियाँ तो पसंद आ ही रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। फोटोग्राफी करे बिना तो आप मानोगे नहीं, भैया इतनी खूबसूरत जगह है तो आप सेल्फियाँ और फोटोग्राफ तो लेने पड़ते हैं। फिर बनाने वालों की यानी क्राफ्ट मैन की तो बड़ी आ रही है भाई। और यहाँ से होकर के हम लोग अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े हैं। शाम की लाइटें जगमगाने लगी हैं, और भाई ये आपका लंच हॉल है। अगर आप अगोड़ा या किसी और सर्टिफाइड जगह से बुकिंग करा के आते हो तो आपकी टिकट वगैरह में लंच वगैरह भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन भाई हमारा फिर से सुझाव है कि सवेरे तो 9-10 बजे आ जाइए, तब आप शाम को 6-7 बजे तक पूरा पगोड़ा घूम पाओगे। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन आ गया है, और इस स्थल का नाम है 3 पीरियड्स हॉल। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कितना फुल साइज प्रांगण है, सामने लाफिंग बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है। शाम की लाइटें इस पूरे एटमॉस्फेयर में 4 चांद लगा रही हैं। फोटोग्राफी में तो ये सीन्स इतने बढ़िया आते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज पिक्चरों में राजा के महल के बाहर जो जगह होती है ना, वैसा फील आ रहा है। शाम की लाइटें तो अच्छी लग रही हैं, पर भाई अंदर ही अंदर दिल भी धक धक कर रहा है कि यार लेट हो गए, सुबह जल्दी आना चाहिए था। तो भैया क्या कर सकते हैं, हम लोग अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल लिए। तो अगला डेस्टिनेशन है हमारा एंशिएंट पैगोडा, जो ओरिजिनली 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ तो चलना पड़ता भाई, थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, और साथ ही साथ जैसी पथरीली सीढ़ियाँ लगभग 300। और जब आप पहुँचेंगे तो केव्स में मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे एंशिएंट पगोडा में 4 मुख्य स्थल हैं, मदर गॉडेस टेम्पल, बुद्धा वर्शिपिंग केव, एंशिएंट मेडिकल प्लांट वैली। अरे भाई, यहाँ पे बड़े पुराने समय की दवाइयाँ, जैसे जड़ी बूटियों वाला पहाड़ है पूरा, यहाँ से राजा महाराजाओं की दवाइयाँ बनती थी स्पेशली, और बौद्ध मांक लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। वैसे तो कहते हैं केव्स में वेंटिलेशन की बहुत दिक्कत होती है, पर ये सब नेचुरली वेंटिलेटेड केव्स हैं। और यहाँ पे आकर के आपको 360 डिग्री का व्यू मिलता है पूरे बाई डिन पगोडा का। उम्मीद है आप लोगों को एंशिएंट पगोडा की केव्स में घूमने का आनंद हो रहा होगा हमारे साथ साथ। जब यहाँ से हम लोग पूरा घूम लिए, तब हम लोग अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। भाई, थोड़ा सा बाहर निकलने में तो टाइम लगता ही है। बाहर इन्होंने पगोडा इतना खूबसूरती के साथ पूरी नेचुरल ग्रीनरी में बसाया हुआ है कि बस चाहिए नहीं। आपको हर तरह की फैसिलिटी थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिल जाएगी, वॉशरूम की, खाने पीने की, मेडिकल की, वो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इलेक्ट्रिक कार्ड भी आपको हर पॉइंट पे रेडी इन पोजिशन में मिल जाती है। और जैसे ही बैठते हो भाई, अगला डेस्टिनेशन आपको नज़र आता है, लगता है अरे वाह, किसी नई जगह पे आ गए। एक ही स्ट्रक्चर के अंदर में इतने सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो दिल खुश हो जाता है। अब ये हमारी जगह का नाम है स्टूपा। भाई, इसी लाइटिंग के चक्कर में तो शाम को आए हैं, लेकिन भाई सुबह से लेकर शाम तक रहना बनता है। आप शाम की लाइटिंग में स्तूपा का एकदम विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भाई इस समय अंधेरा होने के कारण ये शाम को बंद कर दिया जाता है। अंदर लिफ्ट वगैरह भी लगी है। अब अंधेरा होने से फोटोग्राफी तो अच्छी आ रही है, हम लोग सब तरह नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं, पर कम से कम नहीं तो 50% जगहें हमारी छूट गई हैं पगोडा की। कई जगहें बंद हो गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अब तो हमारी ई-कार्ड की लाइट भी जल गई, अब सिवाय बाहर जाने के हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। तो हम लोग मन महसूस के बाहर जा रहे हैं, इस प्रण के साथ कि दोबारा आएंगे और यहाँ पूरे दिन के लिए। जैसा कि आप लोगों को बताया है, वियतनाम में लोग टाइम के बड़े पक्के हैं। इवन खाने के रेस्टोरेंट वगैरह भी सब बंद हो गए। लोग अपने गेस्ट हाउस में कहना पड़ा, भैया रात को हमारे खाने का इंतजाम। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोगों से भी नमस्कार करते हैं। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये हमारा वियतनाम का 5वां एपिसोड है। पिछले 4 ब्लॉग अगर छूट गए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर रहे हैं, देखिएगा जरूर। तब तक आप लोग बने रहिए ट्रैवल स्कॉट के साथ।